फिल्म की शुरुआत लाना से होती है, जो एक 40 वर्षीय महिला है जो एक स्थानीय हाई स्कूल में पढ़ाती है। वह अपने पति और छोटी बेटी के साथ रहती है। एक रात जब वह अपने पति और बेटी के साथ बिस्तर पर लेटी होती है तो पति उसकी पीठ को छूने की कोशिश करता है, हालांकि वह जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है। उसके तुरंत बाद वह अपनी बेटी को उसके साथ खेलने देती है। अगली सुबह लाना अपनी कक्षा में एक आश्चर्यजनक परीक्षा देती है। छात्रों को कुछ निर्देश देने के बाद वह सभी से यथासंभव सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कहती है। प्रत ये छात्र अपने क्विज पेपर पर लिखना शुरू करता है। सिवाय एक नए छात्र बेनी को छोड़कर वह अपने पेपर पर कुछ भी नहीं लिखता है। इसके बजाय वह लाना को एक मुग्ध नजर से देखता रहता है। लाना देखती है कि बेनी उसकी ओर देख रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती है। बाद में वह अपनी बेटी को प्रीस्कूल क्षेत्र से लेने जाती है। जब वह कार तक पहुंचती है तो वह देखती है कि बेनी अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है और कुछ देर तक उसे देखती रहती है। अगले दिन स्कूल में एक छात्र प्रेजेंटेशन दे रहा है। लाना की कक्षा में वह उसे ध्यान से सुन रही है, लेकिन पूरी कक्षा परेशान हो जाती है जब दो लड़कियां पीछे से हंसना शुरू कर देती है। वे अपने फोन पर कुछ देख रही है और कक्षा में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लाना उन्हें अपने फोन दूर रखने और कक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है, लेकिन वे उसकी बात की परवाह नहीं करती है। वे हंसती रहती है और कक्षा में हंगामा करती है। अब लाना क्रोधित हो जाती है और लड़कियों से अपने फोन सौंपने के लिए कहती है। सजा के तौर पर लड़कियां अपने फोन दे देती है, लेकिन उनमें से एक लाना का अनादर करना शुरू कर देती है और उसे गालियां देती है। पूरी कक्षा लाना पर हंसने लगती है और वह लड़की को इस अराजकता के दौरान तुरंत कक्षा से बाहर जाने के लिए कहती है। बेनी के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव है। ऐसा लगता है कि वह क्रोधित है। बाद में लाना शिक्षक के कमरे में एक कप चाय पीने जाती है। वह खिड़की से देखती है और देखती है कि जिस लड़की ने उसका अनादर किया है उसे किसी लड़के द्वारा धमकाया जा रहा है। लड़का उसका बैग जमीन पर पटक देता है और यहाँ तक कि उसकी साइकिल भी फेंक देता है। एक तरफ यह पता चलता है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि बेनी है और वह लड़की को शिक्षक का अनादर करने का बदला चखा रहा है। फिर एक साथी शिक्षक कमरे में आता है और लाना उसके साथ पूरी स्थिति पर चर्चा करती है। वह बताती है कि नया बच्चा बेनी थोड़ा अजीब है, लेकिन एक दूसरे को घूरने के बारे में कुछ नहीं बताता। बाद में लाना बेनी से निजी तौर पर मिलने के लिए कहती है। जैसा कि अपेक्षित था, उनके बीच यौन तनाव जैसे ही वे एक बंद कमरे में प्रवेश करते हैं बढ़ता है। लाना बेनी से पूछकर शांत रहने की कोशिश करती है कि क्या वह अपने नए स्कूल का आनंद ले रहा है, लेकिन वह ठंडे तरीके से जवाब देता है और उससे पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। वह बताती है कि वह स्कूल में उसके प्रदर्शन के बारे में चिंतित है और उसने उसे एक अन्य छात्र को धमकाते हुए देखा, लेकिन जब वह उससे बात करने की कोशिश करती है तो वह गलती से अपना हाथ बेनी के पैर पर रख देती है, जिससे वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसमें रुचि रखती है। लाना जल्दी से यह पूछकर इसे छुपा लेती है कि क्या वह उससे कुछ उम्मीद करता है, लेकिन बेनी हंसता है और कहता है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती। फिर वह उसे एक मुस्कान देता है और पूछता है कि क्या उनका दिन खत्म हो गया है, और लाना कमरे से बाहर जाने से पहले हाँ कहती है। उस रात लाना घर पर अपने छात्रों की परीक्षाएं देख रही थी, जब उसने देखा कि बेनी के अंक बाकी सभी की तुलना में कम है। यह उसे परेशान करता है क्योंकि वह उसे बेहतर प्रदर्शन कराना चाहती है। अगले दिन लाना हमेशा की तरह अपनी कक्षा में पढ़ाती है। वह जाने ही वाली थी कि उसने फर्श पर बेनी का बैग देखा। वह उसे उठाती है और खोलती है। उसे अंदर बेनी का स्वेटर मिलता है, इसलिए वह उसे बाहर निकालती है और सूंघती है कि वह 17 वर्षीय लड़के की ओर आकर्षित है। इसके बाद वह नहाने के लिए शौचालय में भाग जाती है। उसे आश्चर्य होता है, बेनी पीछे से चुपके से आता है और उसे अनुचित तरीके से छूना शुरू कर देता है। लाना के हाव भाव दिखाते हैं कि वह इसका आनंद ले रही है, लेकिन वह उसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। वह कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह सुनता नहीं है और चलता रहता है। ठीक उसी समय जब वह बेनी के स्पर्श के आगे समर्पण करने वाली होती है, वह अचानक पीछे हट जाती है और इनकार कर देती है। फिर वह उससे कहती है कि इस तरह की स्थिति फिर कभी नहीं होनी चाहिए। जाने से पहले वह उसे चेतावनी भी देती है कि अगर वह उसे फिर कभी छूने की कोशिश करता है
और वह सुनिश्चित करेगी कि उसे अगले दिन स्कूल से निकाल दिया जाए। लाना काम पर ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह विचलित दिखती है। वह छात्रों को कुछ क्लासवर्क देती है, लेकिन बेनी अपना काम नहीं करता और क्लास के बाद केवल उसे देखता रहता है। बेनी हॉलवे में लाना के पास जाता है और उसे शाम को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि लाना दृढ़ता से मना कर देती है और समझाती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। वह पार्किंग स्थल पर जाती है, जहां वह पाती है कि उसकी कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। दरवाजा टूटा हुआ है और साइड मिरर टूटे हुए हैं। वह अपराधी को खोजने के लिए चारों ओर देखती है, लेकिन इस समय आसपास कोई नहीं है। उसे लगता है कि बेनी बदला ले रहा है, क्योंकि उसने उसे अस्वीकार कर दिया था बाद में। लाना अपनी बेटी को स्कूल से उठाती है और कुछ युवा लड़कों के समूह को देखती है। उसे लगता है कि उनमें से एक बेनी है, क्योंकि उसने काली हुडी पहनी हुई है। लेकिन वह केवल कल्पना कर रही है। जब वह उस दिन घर पहुंचती है, वह खुद को विचलित करने के लिए बगीचे में काम करना शुरू कर देती है। उसका पति आता है और अब पूछता है कार के साथ क्या हुआ। यह पता लगाने के लिए लाना जल्दी से एक कहानी बनाती है कि वह स्ट्रीट लैम्प के बहुत करीब से गाड़ी चला रही थी। उसके पति को संदेह है और वह कहता है कि उसे संदेह है कि क्या लैम्प पोस्ट से ऐसी दरारें पड़ सकती है, लेकिन वह दावा करती है कि ऐसा हुआ था। इस ठंडी बातचीत के बाद उसका पति अगले दिन चला जाता है। लाना अपने छात्रों को कक्षा में एक और असाइनमेंट देती है। इस बार उन्हें एक कवर लेटर लिखना होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि वे इंटर्नशिप के लिए योग्य क्यों हैं। जब लाना पूछती है कि क्या किसी के पास कोई सवाल है, बेनी अपना हाथ उठाता है। वह मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या नौकरी पाने के लिए इस हद तक जाना जरूरी है। वह लगातार दोहरे अर्थ वाले चुटकुले बनाता रहता है और पूरी कक्षा हंसने लगती है। लाना बहुत क्रोधित हो जाती है, उसका बैग पकड़ती है और उसे बाहर फेंक देती है, जबकि वह उस पर चिल्लाती है कि वह कक्षा से बाहर चला जाए। दुर्भाग्य से सभी अन्य छात्र भी असम्मानजनक व्यवहार कर रहे हैं और बेनी का पक्ष ले रहे हैं। उनमें से एक ने यह देखकर बोर्ड पर डस्टर भी फेंका। लाना कक्षा से बाहर चली जाती है और अगली सुबह वह जंगल में सुबह की सैर पर जाती है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रुकती है और एक पल के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं दिखता है। वह जल्दी से उस जगह से भाग जाती है। बाद में उस दिन वह अपनी बेटी के लिए एक कहानी की किताब पढ़ रही होती है। जब फोन बजना शुरू होता है तो वह उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता है। यह कुछ समय तक होता रहता है, जब तक उसे एहसास नहीं हो जाता कि यह बेनी उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। वह फोन काट देती है और कुछ समय बाद उसे एक तरफ रख देती है। वह अपनी कक्षाएं लेने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन जब वह बेनी को कमरे के अंदर बैठी देखती है तो उसे बहुत असहज महसूस होता है। इसलिए वह बीमार होने का नाटक करके भागने का फैसला करती है और अपने बॉस से घर पर एक दिन की छुट्टी मांगती है। लाना का पति उसके दिन के बारे में पूछता है और वह इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गई। वह झूठ बोलती है और उसे बताती है कि उसने अपने छात्रों को एक साक्षात्कार असाइनमेंट दिया था और अगली सुबह जल्दी छुट्टी हो गई। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वह नदी के किनारे रुकती है। वह सोचने के लिए कुछ पल लेती है। जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में सोचने के बाद वह संग्रहालय में जाने का फैसला करती है, ताकि वह अपने दिमाग को साफ कर सके, क्योंकि वह इधर उधर घूम रही है और कलाकृतियों का आनंद ले रही है। अचानक उसे बेनी दिखाई देता है। यह पता चलता है कि वह हर जगह उसका पीछा कर रहा है। लाना घबरा जाती है और उस क्षेत्र से भागने की कोशिश करती है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन बेनी उसका पीछा करता रहता है। फिर वह लिफ्ट के अंदर पहुंचने में सफल हो जाती है, लेकिन जब दरवाजे बंद होने वाले होते हैं तो बेनी भी अंदर आ जाता है। अब वे दोनों लिफ्ट के अंदर एक साथ फंस जाते हैं। बेनी उसे कक्षा में वापस आने के लिए कहता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। फिर वह उसके चेहरे को सहलाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसे हर जगह छूता है। लाना भी उसकी ओर आकर्षित होती है, क्योंकि वह उसे छूने से नहीं रोकती। वह उसका चेहरा पकड़ कर उसे चूमने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रोक देता है। फिर वह उसकी गर्दन को चूमता रहता है और लिफ्ट में उसके साथ खेलता रहता है। जब लाना घर पहुंचती है
तो वह अपने पति को एक बुरे सपने के बारे में बताती है। वह कहती है कि जब उसका पति और बेटी समुद्र तट पर थे तो उसने खुद को अपनी ओर आकर्षित होते देखा। समुद्र में धारा इतनी तेज थी कि वह उसे बाहर भी नहीं खींच पाया। लाना इस सपने को बताते हुए बहुत भावुक हो जाती है, इसलिए उसका पति उसे सांत्वना देता है। अगली सुबह लाना सुबह की सैर पर जाती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रिवरसाइड पर रुक जाती है। वह समुद्र में एक पत्थर फेंकती है और कुछ योजना बनाना शुरू कर देती है। बाद में वह स्कूल पहुंचती है, लेकिन कक्षा में जाने के बजाय वह हेड ऑफिस में घुस जाती है। वह आगामी अंतिम परीक्षा चुरा लेती है और उसे बेनी के कोट के अंदर रख देती है। वह जानती है कि कोई उसे पकड़ लेगा, और ठीक यही होता है। जब लाना अन्य शिक्षकों के साथ स्टाफ रूम में होती है, वह देखती है कि बेनी को सुरक्षा कर्मियों द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है। परीक्षा के पेपर चुराने के लिए उसे तुरंत स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। और लाना यह जानकर बहुत खुश होती है कि वह अब उसके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। अगले दृश्य में लाना और उसका पति झील पर रोमांटिक समय का आनंद ले रहे हैं। अचानक उसका पति गायब हो जाता है और वह घबराने लगती है। फिर वह पानी से बाहर निकलते ही चिल्लाता है, और तभी लाना अपने सपने से जागती है। ऐसा लगता है कि उसे एक और बुरा सपना आ गया है। हालांकि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। लाना को कुछ दिनों बाद बेनी की याद आने लगती है। वह उन पलों के बारे में कल्पना करने लगती है जब उसने बाथरूम और लिफ्ट में उसे छुआ था। वह क्लास में उसका प्यारा चेहरा भी देखना पसंद करती है। आखिरकार वह उसके लिए इतनी बेताब हो जाती है कि वह उसके साथ यौन क्रियाकलापों के बारे में कल्पना करने लगती है। एक दिन वह अपनी बेटी को उपहार खरीदने के लिए एक किताब की दुकान पर ले जाती है, लेकिन जब वह जा रही होती है तो वह देखती है कि उसकी बेटी कहीं गायब हो गई है। वह उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन छोटी लड़की कहीं नहीं मिलती। वह तुरंत दुकान के मालिकों और पुलिस को सूचित करती है। फिर सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखने के दौरान वह देखती है कि बेनी उसकी बेटी के साथ जा रहा है। इससे पहले कि वह उसके बारे में पुलिस से बात कर सके, उसे अपने पति का फोन आता है कि उसने उनकी बेटी को ढूंढ लिया है। वह पुलिस से हंगामा करने के लिए माफी मांगती है और बाद में अपने परिवार के पास वापस घर चली जाती है। लाना आधी रात को जाग जाती है क्योंकि वह सुनती है सामने के दरवाजे पर बार बार दस्तक देने पर उसका पति सो जाता है। इसलिए वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाती है। वह दूसरी तरफ बेनी को देख कर डर जाती है, लेकिन उसे राहत मिलती है कि यह सिर्फ एक तूफान है। लाना हर समय बेनी के बारे में यौन कल्पनाएं करती रहती है और वह किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। यहाँ तक कि जब वह रसोई में काम कर रही होती है, तब भी वह बेनी के बारे में अपने विचारों में इतनी खोई रहती है कि जब तक उसका पति पीछे से उसका नाम नहीं पुकारता है। इन सब के बाद लाना सीधे बेनी के घर जाती है और धैर्य पूर्वक उसका बाहर इंतजार करती है। कुछ देर बाद वह अपने स्कूटर पर आता है और भाग जाता है। यह देखकर वह सड़क पर उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जब वे आखिरकार एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं, जहां कोई दूसरी कार नहीं होती, वह एक गहरी सांस लेती है और फिर हिंसक तरीके से अपनी कार उसके स्कूटर से टकरा देती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। वह थोड़ी देर आगे चलती रहती है और आखिरकार अपनी कार रोक देती है। अंतिम दृश्य में वह खुद को संभालने के लिए एक पल देती है और फिर बाहर निकलकर उससे मिलने जाती है। नैतिकता कहानी। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है और निश्चित प्रेमी के साथ किसी डार्क फैंटेसी में शामिल नहीं होना है। संभावना है कि यह आप में से किसी एक के मरने के साथ समाप्त होगी। और बस इतना ही इस मूवी रिकैप के लिए है। अगर आप लाना होते तो क्या आप बेनी को मारना पसंद करते, या अपने पति और बेटी को 17 साल के लड़के के लिए छोड़ देते? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। हमें यकीन है कि आपको यह भी पसंद आएगा। तो सब्सक्राइब और लाइक।